गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल उस्ताद कार केयर पर। आज हमारे पास आई हुई है एक एक्सीडेंटल इको, मारुति इको, जो कि फ्रंट साइड से काफी डैमेज है, तो इसी को हम डैमेज रिपेयर करेंगे आज। तो आइए चलते देखते गाड़ी में कितना डैमेज है और कहाँ का डैमेज है और क्या क्या रिपेयर होने वाला है इसमें। तो गाइज, आज हमारे पास आई हुई है मारुति इको, जो कि फ्रंट साइड से डैमेज है। ये किसी चीज़ से टकराई थी गाड़ी, तो इसके अंदर फ्रंट लेफ्ट से थोड़ा ज़्यादा डैमेज है। हालांकि थोड़ा बहुत डैमेज इसके फ्रंट राइट में भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं डोर पे थोड़ा सा डेंट है और जो इसका शीशा है वो ग्लास मशीन से उतर गया है। ORVM पर भी थोड़े से इम्पेक्टेड है। सामने से देखें तो इसका जो बोनट है उस पर थोड़े से डेंट्स आए हैं, और लेफ्ट साइड से देखा जाए तो इसका जो टायर मेंबर है, अपर मेंबर है, इस पर थोड़ा इम्पैक्ट है। हेडलाइट इसकी टूट गई है, बम्पर टूट गया है और फेंडर तो पूरी तरह से ख़राब हो गया है। ये पैनल तो इसका चेंज ही करना पड़ेगा, ये डेंटिंग से सही नहीं हो पाएगा। और पिलर और विंडशील्ड देखें तो ये भी थोड़ा डैमेज है, शायद किसी पेड़ या किसी बोर्ड पर गाड़ी लगी थी। अंदर से देखें कि क्या क्या इम्पेक्टेड है, तो इसका एप्रोन जो है वो थोड़ा बहुत इम्पेक्ट है। गाड़ी मारुति की है और मारुति के साथ थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का इशू है। थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी है वो इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं आती है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, तो इसी के आज हम डेंटिंग पेंटिंग करने वाले हैं और जो भी डैमेज है इसको रिकवर करने वाले हैं, सही करने वाले हैं। कोई पैनल अगर डेंटिंग से सही होता है तो उसको चेंज किया जाएगा। और इस डेंट के एक्सीडेंटल डेंट के अलावा भी इसके अंदर छोटे मोटे पहले के थोड़े बहुत इम्पैक्ट थे, तो उनको भी अभी रिकवर किया जाएगा। तो कस्टमर चाहते हैं कि इसी डेंटिंग के काम के साथ में वो वाला भी काम हो जाए। देख सकते हैं ORVM अंदर की तरफ से टूट गया है, तो ये भी चेंज होना है इसका। तो अभी गाड़ी की फिटिंग को खोला जा रहा है और सामान इसका ऑर्डर किया जाएगा, ये देखने के बाद कि क्या क्या चीज़ें इसकी इम्पेक्ट हुई एक्सीडेंट से, इसका कंडेंसर जो है, रेडिएटर कंडेंसर, ये सारी चीज़ें, या फिर वॉशर बॉटल, कूलेंट बॉटल, ये सारी चीज़ें तो डैमेज नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस से इस गाड़ी का काम होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें खोल के देखना ज़रूरी है कि क्या चीज़ जो है ख़राब है और क्या चीज़ चल सकती है इसके अंदर। तो अभी इसकी फिटिंग खोल दी जा रही है, तो ये देखते हैं आगे फिटिंग खोलने के बाद क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इम्पेक्टेड है।
सो गाइस गाड़ी की फिटिंग खोलने के बाद में अभी गाड़ी के ऊपर डेंटिंग का काम कर दिया गया है। ये दरवाज़ा जो इसके ऊपर इम्पैक्ट था वो डेंट निकाल दिया है, थोड़ा सा अपर हिंज और थोड़ा सा नीचे की तरफ था। रियर डोर जो है उसको खोल के रिपेयर किया जा रहा है, पीछे की तरफ से इम्पैक्ट है ये भी इसको रिपेयर किया जाएगा। ये पूरा पीस काट के इसको दोबारा अच्छे से रिपेयर किया जाएगा। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो फेंडर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, ये चेंज ही होगा पूरा पैनल। और ये जो टायर मेंबर देख रहे हैं ये रिपेयर किया जाएगा, इसको पुल किया जाएगा वापस से। शीशा इसमें पूरा ख़राब हो गया था तो अभी काट दिया है और नया शीशा इस पर लगाया जाएगा। पिलर का जो डेंट है वो भी अभी इसको रिपेयर किया जाएगा। अभी जो है डोर को खोल के उसको रिपेयर किया जा रहा है। और ये जो पीछे का आपने देखा था क्वार्टर है तो वो किसी इम्पैक्ट की वजह से अंदर चला गया था, अभी इसी को रिपेयर किया जा रहा है। अभी इसको ये पीस काटा जाएगा, इसको वापस से एज इट इज शेप में किया जाएगा, उसके बाद वापस इसको लगाकर बॉडी सीलेंट फिल की जाएगी इसके अंदर, ताकि किसी भी तरह अनप्रोफेशनल ना लगे, ये बिल्कुल प्रोफेशनल काम लगे। कभी अगर इन फ्यूचर इसको खुलवाया जाए तो ऐसा नहीं लगे कि पीछे से इम्पैक्ट हुआ है इस गाड़ी में। तो अभी इसको काट के पूरा अच्छे से इसका डेंट रिमूव करके इसको वापस से लगाया जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से ये काम हो रहा है इसका अंदर। अभी इन्होंने काट दिया है और इस चीज़ ये जो पार्ट है क्वार्टर पैनल का, इसको बाहर निकाला जाएगा और इसको प्रॉपर शेप में किया जाएगा, ताकि जिसकी टेल लाइट की जो फिटिंग है वो प्रॉपर आ सके। तो अभी किया जा रहा है काम, देखते हैं कैसे इसके अंदर। तो गाइज अभी इसकी क्वार्टर पैनल की पूरी डेंटिंग कर दी गई है। ये जो हिस्सा था पूरा आप देख सकते थे पहले, पूरा अंदर गया हुआ था, अभी इसको काटा है और इसको प्रॉपर शेप में वापस से डेंटिंग की है और फिर उसके बाद वेल्डिंग कर दी गई है। इसके ऊपर अभी बॉडी सीलेंट लगा दी जाएगी। बॉडी सीलेंट क्या करती है गाइज, बॉडी के जो जॉइंटिंग पार्ट होते हैं वहाँ पर बॉडी सीलेंट अप्लाई की जाती है, ताकि बॉडी के अंदर जो है कहीं से भद्दा ना लगे, दिखने में जो है बुरा ना लगे देखने में। और अभी डेंटिंग प्रॉपर इसकी कर दी गई है। बॉडी सीलेंट बनने के बाद में इसको कलर प्रोसेस के लिए दे दिया जाएगा, पुट्टी फिलिंग प्रोसेस के लिए दे दिया जाएगा। थोड़ा सा इस तरफ देखें तो काफ़ी बड़ा डेंट था, उसको भी रिकवर कर दिया गया है। सामने की तरफ देखा जाए तो ये जो इसका फेंडर है ये अभी ऑर्डर पर है, बाकी सामान इसका आ गया है। और सामान आप देख सकते हैं मारुति ऑथराइज और जेन्युइन पार्ट है, कोई भी पार्ट जो है लोकल यूज़ नहीं किया जा रहा है इसके अंदर। और लेफ्ट साइड में देखा जाए तो अभी इसके अंदर पुट्टी फिल कर दी गई है और इसके बाद इसकी मजाई की जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर सरफेसर और कलर डाला जाएगा। सो गाइज अब ये गाड़ी लगभग डेंटिंग के प्रोसेस से फ्री होकर पेंटिंग के प्रोसेस पे जाने वाली है। लेकिन गाइज पेंटिंग का जो प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से जो वो डाटा डिलीट हो गया है। और ये है गाड़ी के फाइनल रिजल्ट जो कि आफ्टर डेंटिंग पेंटिंग है। ये आप देख सकते हैं पैनल कितना बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, वो बिल्कुल नए जैसा हो गया है। और डिक्के पे भी थोड़े बहुत डेंट थे, वो भी सारे रिकवर कर दिए गए। लेफ्ट साइड में देखा जाए फेंडर जो था पूरी तरह से ख़राब हो गया था, वो नया लगा दिया है। पिलर जो था वो भी रिपेयर कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर में फ़र्क, गाड़ी की क्या हालत थी और अभी क्या बना दिया गया है इसको। तो गाइस इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। We'll be right back.